जरूरतमंद स्टूडेंट्स का हक छीना जा रहा है, जिसका बिल्कुल ताजा उदाहरण है कॉलेज की फाइनल ईयर स्टूडेंट और डायरेक्टर ईशान भोसले की पत्नी सवी सवान भोसले। वो एक बहुत बड़े घर में रहती है, एक भरे पूरे संपन्न परिवार का हिस्सा है सवी। उसे किसी चीज की कोई कमी नहीं है। जैसे स्टूडेंट को बोला स्कॉलरशिप की क्या जरूरत हो सकती है, लेकिन वो डायरेक्टर की पत्नी है इसलिए ये सवाल कोई उठा नहीं सकता। इसलिए ये सवाल मैंने इस बेनाम चिट्ठी में लिख दिया। क्या बकवास है ये? हमारे नियत पे शक। दुनिया जानती है कि हमारे रगों में खून से ज्यादा ईमानदारी दौड़ती है, और हमारी ईमानदारी पर सवाल उठा रहे। क्या बकवास है? सभी के साथ मेरी शादी 2 हफ्ता पहले हुई है, और वैसे भी कि सभी को स्कॉलरशिप मेरी वजह से नहीं मिली है, उसे स्कॉलरशिप इसलिए मिली क्योंकि वो डिजर्व करती है। उसने अपनी मेहनत से स्कॉलरशिप हासिल की है, और हम उसे स्कॉलरशिप ऐसे छीन नहीं सकते, खास करके तब जब फाइनल ईयर का आखिरी टर्म चल रहा हो। की दवाइयों का बिल मिला के हो गया 15,520। ये अब तक का पूरा हिसाब है ना? हाँ सभी जी, बस बप्पा करे आपकी हरनी ताई जल्दी ठीक हो जाए। थैंक यू करुणा ताई, आप में मेरी ताई का बहुत अच्छे से ख्याल रख रहे हो। मैं आपको जितना थैंक्स बोलूं उतना कम है। क्या सभी जी, ये तो हमारा काम है। और आप अपनी ताई की टेंशन बिल्कुल मत लीजिए, मैं हूँ इधर। चलिए मैं आपसे बाद में बात करती हूँ, डॉक्टर राउंड पे आने वाले हैं। अच्छा एक और बात, थैंक यू। ओके ये पैसे मुझे ईशान सर को देने ना, टोटल 6,20,240।